జాతిపిత మహాత్మా గాంధీ శాంతి పురస్కారాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆదివారం నాడు ప్రకటించింది. 2021 సంవత్సరానికి గాను ఈ అవార్డుకు గోరఖ్పూర్లోని ప్రఖ్యాత ప్రచురణ సంస్థ గీతా ప్రెస్ను ఎంపిక చేసింది. అహింస గాంధేయ పద్ధతుల్లో సామాజిక ఆర్థిక రాజకీయ పరివర్తన కోసం అందించిన విశేష సేవలకు గుర్తింపుగా ఈ అవార్డుకు గీతా ప్రెస్ ప్రచురణ సంస్థను ఎంపిక చేసినట్టు కేంద్ర సాంస్కృతిక మంత్రిత్వ శాఖ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ సారథ్యంలోని జ్యూరీ ఈ పురస్కారాన్ని ఏకగ్రీవంగా గీతా ప్రెస్ను ఎంపిక చేసినట్టు చెప్పింది. జాతి కుల మత లింగ భేదం లేకుండా గాంధీజీ పాటలో శాంతియుత మార్గంలో నవ ప్రపంచ నిర్మాణానికి కృషి సతతం కీర్తయంతో మాం యత్తంతశ్చ దృఢవ్రతాః నమస్యంతశ్చ మాం భక్తయా నిత్యయుక్తా ఉపాసతే. श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय का ये 14वां श्लोक गीता प्रेस में चहुओर सर्वव्याप्त है. इसका अनुसरण करते गीता प्रेस सनातन धर्म अध्यात्म प्रकाशन के क्षेत्र में अपने गौरवशाली शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर चुका है. गीता प्रेस का शुभारंभ गोरखपुर में संवत्सर 1980 के वैशाख माह की शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि दिन सोमवार तदनुसार 29 अप्रैल सन 1923 को हुआ था. भारतीय धर्मदर्शन और आध्यात्मिक प्रकाशन के क्षेत्र में शुचिता और पवित्र परंपरा का 100 वर्षों का समृद्ध इतिहास संजोए गीता प्रेस इस वर्ष अपना शताब्दी वर्ष समारोह मना रहा है. भारतीय धर्म संस्कृति और सनातन मूल्यों के सजग प्रहरी गीता प्रेस का इतिहास जितना समृद्धशाली है उसके शुरुआत की कहानी भी उससे कहीं ज्यादा रोचक. गीता प्रेस के सूत्रपात की कथा कलकत्ता से जुड़ी है. राजस्थान के चुरू निवासी सेठ जयदयाल जी गोयंदका व्यावसायिक गतिविधियों के संदर्भ में कलकत्ता आते जाते रहते थे. सफल व्यवसायी होने के साथ ही गोयंदका जी अनन्य कृष्ण भक्त और गीता प्रेमी थे. व्यावसायिक गतिविधियों के साथ ही वो कलकत्ता में सत्संग भी आयोजित करते रहते थे. कृष्ण भक्ति और चेतना जागृत करने के लिए गोयंदका जी आगंतुकों को गीता भेंट करते. गोयंदका जी इस तथ्य के प्रति अत्यंत सजग रहते थे कि उनके द्वारा भेंट की जा रही गीता में कोई अशुद्धि या कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए. गीता और इसकी शुद्धि के प्रति गोयंदका जी के आसक्तिपूर्ण आग्रह का अनुमान उनके द्वारा प्रायः कहे जाने वाले इस सूत्र वाक्य से सहज ही लगाया जा सकता है कि गीता जी में अशुद्धि छोड़ना छुरी लेकर किसी को घाव करने जैसा है और उसमें सुधार करना उस घाव पर मरहम पट्टी करने जैसा. जो गीता प्रेमी हो उसे गीता में अशुद्धि सुधार करने की भरसक चेष्टा करनी चाहिए. गोयंदका जी कलकत्ते के एक छापे खाने से गीता मुद्रण करवा रहे थे. इस मुद्रण में अनेक अशुद्धियां आ रही थीं और गोयंदका जी के लिए गीता में अशुद्धि छुरी से किए गए घाव के समान थी. शुद्धता के परम आग्रही गोयंदका जी के लिए गीता जैसे पवित्र ग्रंथ में एक वर्तनी का दोष भी अक्षम्य था. ऐसे में छपाई के दौरान अशुद्धियां ठीक कराने के लिए मशीन को बार बार रोकना पड़ता. अब छापे खाने का मालिक विशुद्ध व्यवसायी था, उसके लिए छपाई घाटे का सौदा साबित होने लगी. गोयंदका जी द्वारा शुद्धि के लिए बार बार टोकने से असहज होकर एक दिन छापा खाना व्यवसायी ने कह दिया, गोयंदका जी शुद्धि अशुद्धि की इतनी चिंता है तो अपना खुद का प्रेस क्यों नहीं लगा लेते? त्रुटिहीन गीता प्रकाशित करने का मनोरथ तो गोयंदका जी ने न जाने कब से पाल रखा था. भगवत प्रेरणा से उसी क्षण
उन्होंने अपना प्रेस स्थापित करने का निश्चय कर लिया। उसी मनोरथ का प्रतिफल है गोरखपुर स्थित गीता प्रेस, एक ऐसा प्रेस जो देश ही नहीं बल्कि दुनिया में पूरी आन बान और शान के साथ आज अपनी यश पताका फहरा रहा है। गोविंदका जी ने अपने मित्र महान हिंदी प्रेमी समाज सेवी घनश्याम दास जालान और महावीर प्रसाद पोद्दार जी से प्रेस खुलने की इच्छा के बारे में चर्चा की। दोनों ही महानुभावों ने गोविंदका जी को सुझाव दिया कि प्रेस स्थापित करने के लिए सर्वोत्तम स्थान गोरखपुर है। इसके साथ ही जालान जी ने गोविंदका जी को आश्वस्त किया कि यदि प्रेस गोरखपुर में स्थापित होता है तो उसकी देखभाल मैं कर लूंगा। दोनों मित्रों के सुझाव और जालान जी के आश्वासन के बाद गोविंदका जी ने गोरखपुर में ही प्रेस लगाने का अंतिम निर्णय ले लिया। प्रेस लगाने के लिए गोरखपुर के हिंदी बाजार में एक छोटा सा मकान 10 रुपए के मासिक किराए पर लिया गया। किराए के इसी मकान में 29 अप्रैल 1923 को एक छोटे से प्रेस की स्थापना हुई और नाम रखा गया गीता प्रेस। देखते ही देखते गीता प्रेस ने गीता और रामचरितमानस को जन जन का कंठहार बना दिया। दुनिया भर में फैले राम कृष्ण भक्तों, गीता प्रेमियों और सनातन धर्म अध्यात्म में रुचि रखने वाले मनीषियों के लिए गोरखपुर स्थित गीता प्रेस आज किसी देवालय किसी तीर्थ से कम नहीं। लाभार्जन कभी भी गीता प्रेस का ध्येय नहीं रहा। उत्कृष्टतम कागज पर आकर्षक छपाई के साथ लागत से भी कम मूल्य में सदसाहित्य उपलब्ध कराने वाले गीता प्रेस ने कभी भी अपने सिद्धांत या गुणवत्ता से समझौता नहीं किया। स्थापना से लेकर आज के घोर व्यावसायिक दौर तक 100 वर्षों की अपनी सफल यात्रा में गीता प्रेस ने न कभी कोई विज्ञापन छापा और न ही कभी किसी से किसी प्रकार का कोई आर्थिक सहयोग ही स्वीकार किया। जबकि गीता प्रेस के कागज और छपाई का स्तर देखते हुए प्रबंधन के सिर्फ एक इशारे पर यहाँ विज्ञापनों का ढेर लग जाए। करोड़ों के विज्ञापन प्राप्त करना प्रबंधन के लिए बाएं हाथ का खेल है, किंतु अपने सिद्धांतों से समझौता किए बिना साध्य और साधन दोनों की शुचिता में विश्वास रखने वाले गीता प्रेस के लिए ये कल्पना से भी परे है। गीता प्रेस ने अपने अभीष्ट और सिद्धांत से कभी समझौता नहीं किया। शीर्ष प्रबंधन पर गीता प्रेस का कोई खर्च नहीं है। गीता प्रेस प्रबंधन से जुड़े सभी महानुभाव निर्विकार भाव से साधक की तरह गीता प्रेस को पुष्पित पल्लवित करते समृद्ध करने को साधनारत है। पुस्तकों की कीमत लागत से कम रखने के लिए गीता प्रेस अपने इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च को पुस्तकों की कीमत में नहीं जोड़ता। यहाँ छपाई के लिए कागज सीधे मिलों से खरीदा जाता है। इसके साथ ही आधुनिक स्वचालित मशीन और अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हुए गीता प्रेस अपनी लागत में कमी ले आता है। सिद्धांत और गुणवत्ता के साथ सुचारू संचालन हो सके इसके लिए अन्य आर्थिक स्रोतों की व्यवस्था की गई है। गीता प्रेस का वस्त्र विभाग गुणवत्तापूर्ण वस्त्र का भी निर्माण करने के साथ अपने प्रतिष्ठान संचालित करता है। इन प्रतिष्ठानों से होने वाली आमदनी गीता प्रेस के संचालन के पुनीत कार्यों के लिए सुरक्षित रख दी जाती है। 10 रुपए के किराए के मकान में गोयंदका जी द्वारा रोपित गीता प्रेस नाम का यह पौधा आज विशाल वट वृक्ष बन चुका है। गीता प्रेस की लोकप्रियता और विराट प्रसार का अनुमान लगाने के लिए कुछ तथ्य ही काफी हैं। 2 लाख वर्ग फुट में फैले गीता प्रेस परिसर में 1,50,000 वर्ग फीट में सिर्फ गीता प्रेस की गतिविधियां संचालित हो रही हैं। 430 से अधिक समर्पित कर्मयोगी गीता प्रेस को गति और विस्तार देने के उपक्रम में पूरे मनोयोग से जुटे हैं। गीता प्रेस विगत 99 वर्षों में 15 करोड़ से ज्यादा केवल श्रीमद् भगवद गीता प्रकाशित कर चुका है।
प्रतिदिन 60,000 पुस्तकों के हिसाब से प्रतिवर्ष लगभग 2,20,00,000 पुस्तकें छापता है गीता प्रेस। गीता प्रेस लंबे अरसे तक गीता प्रेस ने हिंदी में कल्याण और अंग्रेजी में कल्पतरु नाम की पत्रिकाएं प्रकाशित की हैं। गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की सालाना बिक्री लगभग 80 करोड़ रुपए है। गीता प्रेस 15 भाषाओं में पुस्तकें प्रकाशित करता है, जिनमें हिंदी के साथ अंग्रेजी, बांग्ला, मराठी, गुजराती, तमिल, कन्नड़, असमिया, उड़िया, उर्दू, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी और नेपाली भाषाएं शामिल हैं। देश भर में गीता प्रेस के 20 प्रकाशन केंद्रों के साथ इसकी प्रकाशन संख्या 1,830 है, जिनमें 765 प्रकाशन संस्कृत और हिंदी के हैं। गीता प्रेस नगमाहे इलाही के नाम से गीता का उर्दू संस्करण भी छापता है। प्रामाणिक उद्धरणों के लिए गीता प्रेस के पास एक समृद्ध पुस्तकालय है, जिसमें 3,500 पांडुलिपियां संग्रहित हैं। गीता प्रेस की लाइब्रेरी में ताड़ पत्र पर लिखी 2,500 वर्ष पुरानी गीता सुरक्षित रखी गई है। निन्यानबे साल पहले गीता प्रेस ने छपाई की अपनी यात्रा का आरंभ इसी आयातित अमेरिकी छपाई मशीन टेड हिल से किया था। टेड हिल से सफर की शुरुआत करने वाला गीता प्रेस आज 16 करोड़ रुपए तक की आधुनिक तकनीक आधारित अत्याधुनिक स्वचालित मशीनों को अपना हमसफर बना रहा है। किसी भी प्रेस के लिए गैदरिंग प्रभाग अति महत्वपूर्ण स्थान है। विभिन्न विभागों में छपाई के बाद पन्नों को क्रमबद्ध कर पुस्तक का रूप देने के लिए उन्हें गैदरिंग सेक्शन में लाया जाता है। गैदरिंग का काम जहां एक तरफ स्वचालित मशीनों द्वारा होता है, तो वहीं दूसरी तरफ ये कार्य गीता प्रेस के सिद्ध हस्त कर्मकार हाथों से भी करते दिखाई पड़ते हैं। गीता प्रेस में छपी पुस्तकों की सिलाई जर्मनी
और इटली से आयातित स्वचालित मशीनों द्वारा होती है। इन मशीनों की क्षमता प्रति मिनट 5,000 पेज सिल देने की है। पुस्तकों की सिलाई में यहां प्रतिदिन 1,44,000 मीटर धागे की खपत होती है। गीता प्रेस जहां एक ओर आधुनिकता से तारतम्य स्थापित करते अत्याधुनिक मशीन और तकनीक को आत्मसात करने में जरा भी नहीं हिचकिचाता, तो वहीं दूसरी तरफ पुस्तकों की शुद्धि और पवित्रता बनाए रखने के लिए प्रेस का एक खंड आज भी पारंपरिक कार्य विधि ही अपनाता है। पुस्तकों की जिल्द तैयार करने के लिए आधुनिक स्वचालित मशीन तो आती हैं, किंतु उनमें सरेस जैसे पदार्थों का प्रयोग होता है, जिनमें पशुओं की चर्बी, सींग और खुर आदि का मिश्रण किया जाता है। ऐसे पदार्थ का उपयोग गीता प्रेस के सिद्धांतों और धार्मिक जनभावना के सर्वथा प्रतिकूल है, इसलिए इस प्रभाग का मशीनीकरण न करते हुए यह कार्य पारंपरिक मानव श्रम द्वारा ही संपन्न कराया जाता है। गीता प्रेस ने अपना दायित्व सिर्फ धार्मिक पुस्तकों के प्रकाशन तक ही सीमित नहीं रखा, ये देश के सेवा के अनेक निशुल्क प्रकल्प भी चलाता है। देश के विभिन्न प्रांतों में गीता प्रेस द्वारा शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवा कार्य किए जा रहे हैं। गोरखपुर के गीता प्रेस परिसर में हर दिन चिकित्सकीय परामर्श के साथ निशुल्क औषधि वितरण भी किया जाता है। गीता प्रेस के ठीक सामने स्थित प्रधान कार्यालय गोविंद भवन परिसर में गीता प्रेस द्वारा निर्मित आयुर्वेदिक औषधियों का विक्री केंद्र है। गोरखपुर के अलावा ये औषधियां कोलकाता, ऋषिकेश स्थित प्रतिष्ठान समेत गीता प्रेस की कई बुक स्टॉल पर भी उपलब्ध है। गीता औषधालय का उद्देश्य प्राचीन आयुर्वेद को प्रसारित प्रचारित करते प्रोत्साहन देना है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में गीता प्रेस की आयुर्वेदिक औषधि निर्माण की इकाइयां स्थापित हैं। यहां हिमालय के पहाड़ों की जड़ी बूटियों और पवित्र गंगा जल का प्रयोग करते हुए शास्त्रों में उल्लिखित प्राचीन मूल विधियों के अनुसार औषधियों का निर्माण किया जाता है। गीता प्रेस की औषधियों की विशेषता यह है कि भले ही आयुर्वेद सम्मत विधान हो, किंतु किसी भी औषधि में मदिरा अर्थात शराब जैसे अशुद्ध पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाता। कारण यह है कि गीता प्रेस का मूल आग्रह कृष्ण भक्ति और गीता ज्ञान है, जिनका निमित्त मोक्ष है, और मदिरा अथवा शराब मोक्ष की राह में बाधक है, मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक व्यक्तियों के लिए निषिद्ध हैं। ऐसी पवित्र और सात्विक औषधियों के वितरण के लिए देश के अनेक स्थानों पर गीता प्रेस निःशुल्क औषधालय भी संचालित करता है। स्वस्थ और संस्कारित समाज के निर्माण के लिए गीता प्रेस द्वारा पारंपरिक गुरुकुल पद्धति पर आधारित ऋषिकुल और ब्रह्माश्रम भी संचालित किए जा रहे हैं। यहाँ बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ ही चरित्र निर्माण की भी शिक्षा दी जाती है। ये आवासीय विद्यालय जयदयाल गोयंदिका जी के जन्म स्थान चूरू में स्थापित है। गीता प्रेस ने ऋषिकेश में 1,000 कमरे वाले गीता भवन का निर्माण भी कर रखा है। गंगा के सुरम्य वातावरण के बीच स्थित इस भवन में यात्रियों, साधु संतों और सत्संगियों के लिए बहुत कम मूल्य पर भोजन आदि की सुविधाएं भी सहज सुलभ हैं।
प्रकाशन के अतिरिक्त गीता प्रेस के मुख्य आकर्षण हैं गोरखपुर स्थित इसके कार्यालय का मुख्य द्वार और लीला चित्र मंदिर। देश के अन्यान्य गौरवशाली प्राचीन मंदिरों की स्थापत्य कलाओं से प्रेरित गीता प्रेस का 3 मंजिला भव्य मुख्य द्वार अपने आप में समस्त अवयवों को समाहित किए भारतीय संस्कृति की विराट समग्रता का जीवंत दर्शन कराता है। इस द्वार पर सत्यमवद धर्मम चर का सूत्र संदेश अंकित है। यह सूत्र संदेश तैत्तरीय उपनिषद की 3 वल्लियों शिक्षावल्ली ब्रह्मानंद वल्ली और भृगुवल्ली के शिक्षावल्ली खंड में समाहित श्लोक का अंश है। सत्यमवद धर्मम चर का अर्थ है सत्य बोलो धर्म सम्मत कर्म करो। गीता प्रेस की महान परंपरा में सारे कर्मयोगी इस सूत्र वाक्य का पालन करने में पूरे मनोयोग से जुटे हैं। गीता प्रेस स्थित लीला चित्र मंदिर गोरखपुर का एक महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल है। इस चित्र मंदिर का उद्घाटन 29 अप्रैल 1955 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। लीला चित्र मंदिर में भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े मन को आह्लादित कर देने वाले प्रसंगों के 684 मनोरम चित्र हैं। ये सभी चित्र प्रमुखतया तत्कालीन स्वनाम धन्य चित्रकार वीके मित्रा जगन्नाथ और भगवान जैसे सिद्ध हस्त कुशल कलाकारों के द्वारा अपने हाथों से बनाए गए हैं। 70-75 वर्ष बाद भी इन चित्रों के रंगों की चमक रंच मात्र भी धूमिल नहीं हुई। यहां संरक्षित भारत की लोक आस्था के महानायक प्रभु श्री राम के इस अद्भुत चित्र की छटा देखते ही बनती है। इसका आकर्षण नयनाभिराम है। लीला चित्र मंदिर में पंचदेवों के साथ ही भगवान बुद्ध भगवान महावीर प्रभु ईसा मसीह और संत जरथुस्त के चित्र सबको आत्मसात करने वाली भारतीय संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम का साक्षात प्रमाण है। चित्र मंदिर की संगमरमर की दीवारों पर संपूर्ण श्रीमद् भागवत गीता और संत भक्तों के 700 से अधिक दोहे और सूक्तियां उत्कीर्ण हैं। सुधी पाठकों के लिए गीता प्रेस के मुख्य द्वार के ठीक सामने गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित पुस्तकों का वातानुकूलित विक्रय केंद्र बनाया गया है। यहाँ गीता प्रेस द्वारा देश की 15 भाषाओं में प्रकाशित धार्मिक पुस्तकें उपलब्ध हैं। गीता प्रेस की गाथा हनुमान प्रसाद पोद्दार उर्फ आदरणीय भाई जी का स्मरण किए बिना पूर्ण नहीं हो सकती। भाई जी की स्मृतियां और योगदान गोरखपुर स्थित गीता वाटिका में संरक्षित हैं। यहाँ आदरणीय भाई जी और उनकी सहधर्मिणी की प्रतिमाएं स्थापित हैं। गीता वाटिका में आज भी उस स्थान के साक्षात दर्शन किए जा सकते हैं जहां कभी भाई जी की साक्षात भेंट ऋषि अंगिरा और मुनि श्रेष्ठ नारद से हुई थी। ये स्थान उस क्षण का साक्षी है जिसने हनुमान प्रसाद पोद्दार अर्थात सबके प्रिय आदरणीय भाई जी के जीवन की दिशा बदल दी। कल्याण के प्रकाशन की प्रेरणा आदरणीय भाई जी को इसी घटना के बाद मिली। यहीं शांत वातावरण में भाई जी की समाधि भी स्थित है। भावनापूर्ण श्रद्धा प्रकट करने के लिए इस समाधि को नित्य प्रति ताजे पुष्पों से सुशोभित किया जाता है। गीता प्रेस की सफलता की गाथा में हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का बड़ा योगदान है और इस योगदान में उनके द्वारा लिखित एवं संपादित पुस्तकों की बड़ी भूमिका है। यद्यपि वैशाख शुक्ल पक्ष त्रयोदशी संवत्सर 2079 को गीता प्रेस अपने शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर चुका है तथापि शताब्दी वर्ष समारोह का औपचारिक शुभारंभ
ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष पंचमी संवत्सर 2079 तदनुसार 4 जून 2022 को देश के प्रथम नागरिक भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद के कर कमलों द्वारा संपन्न हो रहा है। गौरवशाली शताब्दी वर्ष में गरिमामयी प्रवेश के पुनीत अवसर पर गीता प्रेस अपने सुधी पाठकों के साथ दुनिया भर के सनातन धर्मावलंबियों के प्रति हृदय से आभार और कृतज्ञता प्रकट करते हुए सनातन धर्म अध्यात्म के अप्रतिहत सेवा संकल्प के प्रति अपनी अक्षुण प्रतिबद्धता प्रकट करता है। ओम समगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानतम देवा भागम यथा पूर्वे संजा।